भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। श्रीमद् भागवत रहस्य में से ये परीक्षित की स्पर्श दीक्षा। सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तो 7 दिवस तो क्या 7 मिनट में ही मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु शिष्य परीक्षित जैसा अधिकारी होना चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों अधिकारी होने चाहिए। मंत्र दीक्षा अधम है, स्पर्श दीक्षा उत्तम है। ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पर वरद हस्त रखा कि तुरंत उनको ब्रह्म का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हो गया। प्रथम स्कंद में अधिकारी की कथा बताई गई है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए ये बताया गया है, वक्ता कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया है। आगे कथा आएगी कि ध्रुव को मार्ग में नारद जी मिले और प्रचेताओं को शिव जी मिले। अधिकारी शिष्य को ही सदगुरु मिलते हैं, परीक्षित के लिए भी सुखदेव जी आए। अन्यथा लाख आमंत्रण देने पर भी सुखदेव जी को आंखें उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी एक क्षण भी परमात्मा के दर्शन किए बगैर नहीं रह सकता। 3 प्रकार के श्रोता वक्ता में व्यास जी का क्रम दूसरा है, क्योंकि वे समाज सुधार की दृष्टि से कथा करते थे, जबकि सुखदेव जी दूसरों को सुधारने की नहीं अपितु अपने अंतःकरण को सुखी करने की वृत्ति से कथा करते थे। सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया तो मंगलाचरण नहीं किया, ऐसा शास्त्र नियम नहीं है, लेकिन देह भान बिल्कुल नहीं था। 3 अध्यायों के बाद सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण है, प्रथम व्यास जी का, दूसरा सुखदेव जी का और अंत में 3रा सूत जी का। यौवन में मंगलाचरण मंगल आचरण की बहुत जरूरत है, इसलिए सुखदेव जी का मंगलाचरण 12 श्लोक का है, अन्य सभी का 1-1 श्लोक का है। उत्तम वक्ता कौन है? जो संपूर्ण है वैराग्य हो वही वक्ता उत्तम है। संसार के किसी भी विषय में मन न जाए वो वैराग्य है। संसार के विषयों को देखते हुए भी जिसका मन उसमें नहीं रमता उसने ही सच्चा वैराग्य सिद्ध किया है। बिना वैराग्य के दृढ़ता नहीं आती, वैराग्य से ज्ञान शोभा पाता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य परिपूर्ण होने पर मनुष्य ब्रह्ममय बनता है। सुखदेव जी में पूर्णतः ज्ञान और भक्ति और वैराग्य थे। ज्ञानी का हृदय कृष्ण प्रेम में न पिघले तो ऐसा ज्ञान किस काम का। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भजरे भजरे।